आदिवासी गोंड गोवारी जनजाति संवैधानिक हक संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र राज्य की ओर से 26 जनवरी से आमरण अनशन जारी है। यह आमरण अनशन मुख्य आरक्षण की मांग के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। आदिवासी गोंड गोवारी जनजाति 26 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठी है। यह आमरण अनशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रखा गया है, इसलिए हम 26 जनवरी से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को दिए फैसले में कहा, वाघोबा नागोबा ढाल पूजा हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति का पालन करना चाहिए। हालांकि 1985 के जीआर में हमारी संस्कृति को गंगा यमुना जमुना दर्शाया गया है, हम इसके खिलाफ है। सरकार ने 1 जनवरी को अध्यादेश जारी करने का वादा किया था, हालांकि उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें जल्दी नहीं मानी गई तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा। आदिवासी गोवारी जनजाति समूह द्वारा जो है बीते 11 दिनों से नागपुर के संविधान चौक पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और आज जो है ये समाज काफी आक्रामक होते दिखाई दे रहा है अपनी मांगों को लेकर। सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए आज जो है यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन किया जा रहा है। पूरे राज्य से यहाँ पे लोग जो है पूरे विदर्भ से और राज्य से यहाँ लोग आए हैं। हमारे साथ ये लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आपकी मांगे हैं, क्या बताना चाहोगे। एक 1994 साली जे महाराष्ट्र मध्ये स्वातंत्र्यानंतर जे हत्याकांड झालं ते भारतातला सर्वात मोठं हत्याकांड होतं। त्याच्यामध्ये 114 आमचे शहीद गोवारी बांधव शहीद झाले। तेव्हापासून जी आमची मागणी, ते शहीद झाल्यावरही त्यांचं बलिदान देऊनही या समाजाला, या आदिवासी गोंड गोवारी गोवारी समाजाला अद्यापपर्यंत आरक्षण मिळालेलं नाहीये, म्हणून आमचे 26 जानेवारी पासून 3 कार्यकर्ते या समाजाचे उपोषणाला बसलेले असून समाजाच्या शासनाच्या कोणत्याही प्रतिनिधींना त्याची दखल घेतलेली नसून आज हा सर्व गोवारी जमात रस्त्यावर त्यांचा संताप व्यक्त करण्यासाठी उतरलेला आहे शासनाच्या विरोधात। शहीद गोवारी। तो हम देख रहे हैं कि बीते 11 दिनों से जो आमरण अनशन चल रहा है अपने आरक्षण की मांग को लेकर, आज जो है इनका जो तीव्र हमें आंदोलनकारियों का जो व्यक्त किया जा रहा है, उनका जो संताप है यह व्यक्त हो रहा है, आज जो है रास्ता रोको इनके द्वारा किया गया है। बल्कि उनकी न्यायिक अधिकार की लड़ाई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। 114 लोग शहीद हो चुके ये परिवार के, और ये मांग है और कांग्रेस उनके साथ है। बीते 11 दिनों से यह आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को विविध राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भेंट देकर मांगों को सुना और अपना समर्थन दर्शाया। इसी श्रृंखला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आंदोलनकारियों की भेंट ली और मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कहकर कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारियों के साथ होने की बात कही। बीते 11 दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पे अनशन चल रहा है, आज जो है तीव्र आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताओ। हम 26 जनवरी से यहाँ पे तीव्र आंदोलन कर रहे हैं। हमारे तीनों किशोर चौधरी, सचिन चचाने और चंदन कोहरे, ये तीनों हमारे समाज के लोग आंदोलन पे बैठे उपोषण अनशन कर रहे हैं। हमारी यही मांग है की 24 अप्रैल 1985 का जो जीआर है, वो जीआर की वजह से हमारी जो संस्कृति है बदल गई है। महाराष्ट्र शासन ने बहुत भ्रष्टाचार करते हुए हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है वो नहीं लिखी और डुप्लीकेट संस्कृति लिखी, गलत माहिती लिखी, इसके वजह से हमारे ऊपर बहुत ही अन्याय हुआ। अनशनकारी जो है बीते 26 जनवरी से यहाँ पे बैठे हैं, अनशन यहाँ पे चल रहा है, उनसे हम जानते हैं कि आज जो है अनशन आपके द्वारा रास्ता रोको जो है आंदोलनकारियों के द्वारा किया जा रहा है, क्या बताओगे। आप अनशन पे हो 26 जनवरी? आज हम 26 जनवरी से अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का 11वां दिवस है। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या कोई मंत्री, राज्य का कोई भी मंत्री अभी तक हमारा आया नहीं, और हमारी मांगनी ऐसी है कि 85 को जी आर है उसमें हमारी जो गोंड गोवारी जमात की चाली रीति परंपरा वो जो है गलत लिखी हुई है और वही हमारे को दुरुस्त करके मांगनी हमारी वही है। 1985 तक हमारे को गोंडगावरी करके हमारे को जात प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट मिलते थे, वही हमारे को अभी तक लागू करना होना चाहिए। हम आखिरी हमारे आखिरी सांस तक हम हमारे लड़ाई लड़ते रहेंगे।
और प्रशासन को बता देंगे कि अभी तो महाराष्ट्र के यहाँ पर जन समुदाय है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से यहाँ से हमारे हजारों बांधव आने के लिए तैयार है। और इसका दुष्परिणाम आने वाले 2024 में इस राज्य के सरकार को भुगतना पड़ेगा और केंद्र को भुगतना पड़ेगा। अभी तक बच्चों कोडू, अमित वंजारी और नाना पटोली जी और सुरेंद्र जगताप और बहुत से नेता दूचर से आए भी है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम सरकार तक आपकी मांगे प्रस्ताव भेजेंगे और मांगनी पूर्ण करने के लिए निर्णय लेंगे। सरकार पक्ष में अभी तक कोई आया नहीं है, की ओर से वैसे तो फिलहाल कोई आया नहीं है, भेजा गया नहीं है, मगर राजकुमार बडोले जी आए थे, मगर उन्होंने जैसा हमें समाधानकारक ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, उसके वजह से हम उनको सरकार पक्ष की ओर से भेजा गया है ऐसा मान नहीं सकते। विरोधी पक्ष के नेता आ रहे हैं, आज नाना पटोली जी आए थे, उस दिन कल परसों अभिजीत जी वंजारी आए थे, और हमारा मैडम 26 जनवरी से ये आमरण अनशन चालू है, मगर प्रशासन की ओर से कोई भी हमारी दखल ली नहीं जा रही है, और हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के चलते आज गोंड गवारी जमात के अंदर जो जन आक्रोश पैदा हुआ है वो आप परिस्थिति देख सकते हैं। 11 दिन उपोषण के आज 11वां दिन है, 11 दिन होने के बाद भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आज समाज आज पूरी तरह जन सैलाब ये नागपुर में आ रहा है, 3 लाख की जनसंख्या में हमारा समाज आज पहुंच रहा है, यहाँ पर आज क्या होगा हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि समाज आज पूरी तरह आग बबूला हो चुका है। तो इस अगर परिस्थिति के अनुसार कुछ अनुचित प्रकार अगर घटता है तो उसका सर्वोच्च जवाब ये महाराष्ट्र शासन रहेगा, ये प्रशासन रहेगा। 26 जनवरी से शहर के संविधान चौक पर आदिवासी गोंड गुवारियों के हक के लिए वर्धा निवासी किशोर चौधरी, यवतमाल निवासी सचिन चचाने और बुल्ढाना निवासी चंदन कोहरे आमरण अनशन पर है, जहां आज पूरा समाज इन्हें समर्थन देते हुए संविधान चौक पर पहुंचा, जहां अपनी मांग सरकार तक पहुंचे इसके लिए आंदोलनकारियों ने आरबीआई स्क्वायर घेर कर रास्ता रोको आंदोलन किया, जिससे परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, लेकिन पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त से परिस्थिति को संभाला गया। तो हमने देखा कि अनशनकारी बीते 26 जनवरी से जो है यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, आरक्षण की मांग को लेकर आज जो है बड़ा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है, और आगे अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी, ऐसा अनशनकारियों का कहना है। 26 जनवरी से जो है आदिवासी गोवारी जनजाति की ओर से जो है आमरण अनशन किया जा रहा है आरक्षण की मांग को लेकर, और आज जो है पूरा जनसैलाब जो है यहाँ पर नागपुर में उमड़ा है संविधान चौक पर। आप देख पा रहे हो कि बड़ी तादाद में लोग आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, पूरा समुदाय जो है यहाँ पे आया है, और इसके चलते जो है रास्ता रोको आंदोलन जो है यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके लिए तगड़ा पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अभी जो है रास्ता रोको आंदोलन पूरे जनसैलाब की ओर से किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।